नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही रोहित शर्मा ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ जो दूसरा वाला टेस्ट मुकाबला खेला गया, उसके पहले दिन जोरदार शतक लगाया और बहुत ही भयंकर पारी खेली। उसके बाद दोस्तों, उस दिन वैलेंटाइन डे था, 13 तारीख को, यानी कि बीते कल, वहाँ पर जो रितिका है, जो रोहित शर्मा की पत्नी है, उसने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि रितिका शर्मा ने क्या कहा है, रोहित शर्मा के इस तूफानी बल्लेबाजी को लेकर आंखों में आंसू आ गए थे रितिका शर्मा के, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला जो कि भारत ने हारा था 227 रन से, तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया, तो रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल बहुत ही भयंकर तरीके से पारी खेली अपने। मगर दोस्तों, भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लग गया। सुमन गिल बिना कोई खाता खोले आउट होने के बाद चलते बढ़े। उसके बाद दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा भी मात्र 58 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन का योगदान दिया भारतीय टीम के लिए, ज्यादा टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए चेतेश्वर पुजारा। उसके बाद दोस्तों, कप्तान विराट कोहली से बहुत ही बड़ी उम्मीद थी भारतीय टीम को, मगर कप्तान विराट कोहली भी मात्र 5 बॉलों में आउट होकर चलते बने। बिना कोई खाता खोले विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठाता है। उसके बाद दोस्तों, मैदान में तूफान आया रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ने बहुत ही भयंकर तरीके से, जिस वक्त सभी खिलाड़ी आउट होने के बाद पवेलियन का रास्ता देखते जा रहे थे, उस वक्त रोहित शर्मा के बल्ले से शतक निकला। और दोस्तों, शतक नहीं, यहाँ पे डबल शतक भी लगा देते, मगर दोस्तों वो तो छक्के लगाने के चक्कर में अपना कैच दे बैठे मोइन अली को। और दोस्तों, इस तरीके से रोहित शर्मा ने 231 बॉलों का सामना करते हुए 18 चौके 2 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 161 रन की तूफानी पारी खेलने के बाद ये बता दिया कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। उसके बाद दोस्तों, रहाणे ने भी 67 रन का अच्छा साथ दिया रोहित शर्मा का। फिलहाल दोस्तों, ऋषभ पंत से बहुत बड़ी उम्मीद है कि ऋषभ पंत और अक्षर पटेल कुछ बड़ा करके दिखाएं और 500 के पार ऐसे स्कोर को निकालें। मगर दोस्तों, उसके बाद जैसे ही रोहित शर्मा ने अपना सैकड़ा पूरा किया, रोहित शर्मा की पत्नी रितिका शर्मा ने अपने बयान में कहा कि मेरे लिए 13 तारीख वाला जो वैलेंटाइन डे है वो कोई वैलेंटाइन डे से कम नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत ही बड़ा शतक लगाया था और ये मेरे लिए वैलेंटाइन डे एक तरह से गिफ्ट है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी वैलेंटाइन डे वाले दिन रितिका शर्मा जहां पर मैच देख रही थी, 115 रन की विस्फोटक पारी खेली थी रोहित शर्मा ने। और दोस्तों, रोहित शर्मा ने भी अपने बयान में बहुत ही साफ कर दिया है कि भारत ये मुकाबला पक्का जीतने वाला है। और उनकी पत्नी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब रोहित शर्मा ने शतक बना लिया है, पहली पारी में शतक निकला उसके बल्ले से, तो दूसरी पारी में भी शतक जरूर से निकलेगा और भारत ये मुकाबला जरूर से जीतने के बाद 1-1 से बराबरी जरूर करेगा। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।